देखिए जनाब, ये मशहूर सियासी व समाजी कारकुन जनाब काका सिंह जी, जो शहर रजौरी सदर मुकाम पे एक बहुत अहम शख्सियत हैं और यूथ में और सोशल सर्विसेज में एक बहुत बड़ा नाम है। गुज़श्ता साल जब बीजेपी सरकार ने हम गरीब लोगों की ज़मीनों को छीनने का एक मंसूबा तैयार किया था और यहाँ पे अपनी मशीनें तक भेज दी थी, उस वक़्त हमने कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलके एक जॉइंट जो है उसका एहतजाज किया था। उसमें काका सिंह जी हमारे साथ पेश होते थे, बल्कि हमें लीड भी करते थे। तो उस वक़्त से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, ये हम ख्याल हैं। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पे और जनाब मियाँ साहब की शख्सियत पे काका सिंह जी ने लबैक कहा है और आज के इस सियासी मुहिम में, पार्लियामेंट के इलेक्शन में, इन्होंने न सिर्फ अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की है बल्कि ख़ुद नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत को बढ़ाया है। और इसी तरह साथ में हमारे डन्ना से हमारे भाई हैं अफ्तार शाह साहब, ये भी यूथ के एक बड़े सरगर्म कारकुन हैं, इन्होंने भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है और देख रहे हैं लगातार दिन ब दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुख्तलिफ जमात हों, मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप हों, तबकाए फ़िक्र के लोग हों, वो अपनी सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं और बड़ी भारी तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आज के इस मौका पर जनाब काका सिंह साहब को और अपने भाई अफ्तार को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि अभी जो ये बकिया दिन हैं कंपेन के, इनमें ये बड़े अहम रोल अदा करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और मियाँ साहब की कंपेन में और मियाँ साहब की लीड को इंशाल्लाह और बढ़ाएंगे। जिस तरीके से नौजवान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की किस तरीके से कंपेन रहेगी और नौजवानों को साथ जुड़ने से कितना मनोबल जो है वो बढ़ेगा। काका सिंह जी और शाह साहब ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम को इन्होंने पसंद किया और यहाँ भी इन्होंने ज्वाइन किया है। इनके आज जो है दिन ब दिन नौजवान जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको खबर हो चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है तो जैसे जम्मू और कश्मीर को इस काले दौर से निकाल सकती है और इनकी सपोर्ट से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मजबूत हुई है। आने वाले इलेक्शन में मियाँ साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर जीतेगी, उमर साहब के हाथ मजबूत होंगे और फारूक साहब के हाथ मजबूत है, दिन ब दिन लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हो रहे हैं, हम इनका बहुत मशहूर हैं, हम इनका शुक्र अदा करते हैं। निर्मन साहब, नसीम, लियाकत साहब के तहत में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, मैं और मेरा यूथ जो है आज कोई से प्रोटेस्ट में यूथ मिली है वो भी सारा यूथ एन सी ज्वाइन करेगा और मैं बताता चलूँ जो हमारे यूथ की जो सपोर्ट रहेगी, हम पूरी शाना बशाना जो कंपेनिंग में है दिन रात मेहनत करके हम एन सी पार्टी का हौसला बढ़ाएंगे और एन सी को जितवाएंगे।